ये खबर राजस्थान के श्री गंगानगर से है, जहां पदमपुर में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 10 नगर पालिका के पीछे घर के बाहर खड़ी महिला से बदमाश सोने की चेन झपट कर ले गए। लूट की ये घटना घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। श्रीगंगानगर से ब्यूरो चीफ मनजीत सिंह की रिपोर्ट। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, मेरी माता जी यहाँ 1:45 के आसपास यहाँ बाहर खड़ी थी। केवल वो 2 मिनट ही हुए थे उन्हें आए को, यहाँ पे धूप में खड़े थे। 2 मोटरसाइकिल वाले आए, अपना डिस्कवर मोटरसाइकिल था, पंजाब नंबर था, जिनकी तस्वीरें अच्छे से सीसीटीवी में कैद हो चुकी हैं। वो आए, एक सेकंड में उन्होंने चैन खींची और हाथों हाथ भाग गए। फिर हमें जैसे ही सूचना मिली वहाँ से, यहाँ आए देखने के लिए। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा प्रशासन से कि पदमपुर को एक ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ हर लोग अपने मतलब सुरक्षित तरीके से रह पाए, क्योंकि ये मंडी का नाम बहुत है। अगर ऐसी यहाँ घटनाएं होती रही तो ये मंडी बदनाम हो जाएगी अच्छे से, और हम ये बिल्कुल नहीं करना चाहते। हम पदमपुर का नाम बहुत आगे तक लेकर जाना चाहते हैं और इसे एक अच्छा एक अच्छी जगह बनाने चाहते हैं रहने के लिए। तो ये सब चीज़ें बंद हो, यहाँ मतलब इतने फ्रॉड हो रहे हैं, किसी के बैंक में से पैसे निकाल दिए जाते हैं दिन दिहाड़े, चैन स्नैचिंग हो रही है, कोई जा रहा होता है उसका कैश लेके भाग जाते हैं लोग। तो ये सब हमें पुलिस से ही मतलब अपील है कि मतलब अब जब सब कुछ सामने आ ही गया, सारी मतलब तस्वीरें आ गई सामने, तो पुलिस मतलब को एक ऐसा एक्शन लेना चाहिए जिससे मतलब एक एग्जाम्पल मिल सके पूरे पदमपुर निवासियों को, उन्हें भरोसा हो सके प्रशासन पे।